अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो 4 4 1/2 ईयर हो गया मुझे, तो ब्रेव इट के बहुत से लोगों की लाइफ चेंज होते देखा है, और ऐसे ऐसे बंदे हैं जो हम कहते हैं 15-20 हज़ार की जॉब वाला भी सीन मुश्किल है। तो आप जो अब है अवेलेबल, इस अपॉर्चुनिटी को लाजमी अवेल करें, एफर्ट पुट करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे। जो बंदा भी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत ज़ाया नहीं करता, ये एक जेन्युइन रीज़न है। और अब सबसे बड़ी बात है कि ये जिस कोविड के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इसके साथ कंटिन्यू करें। वर्ल्ड वाइड $1.7 ट्रिलियन का ये जो है ना फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है सारा कुछ। जी मैम, आप कंटिन्यू कर लें, आपका आज के इंटरनेट का आज भी इशू है। मेरा आज इंटरनेट का इशू नहीं है, मेरा लैपटॉप बार बार रिस्टार्ट पे जा रहा है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। जी, ओके ओके चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं फिर। होपफुली कि अब ये रिस्टार्ट ना जाए, बिकॉज 2 दफा हो गया और सारी चीजें हिल के रह जाती है। तो मैं एक सेकेंड जरा जो मैं कर रही थी काम है वो कर लूं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, आप सबने क्या जो मैंने करेक्टर वाला पैनल ओपन करने को कहा है, जब वो ओपन कर दिया है मुझे वो बताते रहे साथ साथ। ओके वेरी गुड, बस एक सेकेंड जो मैं कह रही थी मैं भी अपनी चीज कंप्लीट कर लूं फिर बताते हैं। जी जी अनीका, करैक्टर में जाकर क्या करना है? फिलहाल कुछ भी नहीं करना, बस वो ओपन करके रखना है। जावेद आवाज नहीं आ रही है। जावेद को कोई बच्चा कह सकता है कि रीज्वाइन करें? सो मैंने ओपन कर लिया वेबसाइट भी, और जो मेन चीज समझाने वाली है यहाँ से, हमारे पास हम जब एक टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, अब बच्चा सब बच्चे प्लीज सुन लें ठीक है। सेलेक्ट नहीं हो रहे ऑप्शन, इसलिए बेटा सेलेक्ट नहीं हो रहे कि अभी मैंने कुछ नहीं समझाया और कुछ नहीं करवाया ठीक है। मैंने आप लोगों से सिर्फ इतना कहा था कि विंडोज में से जाकर आपने टाइप में जाना है और ये करेक्टर का पैनल ओपन कर लेना है। बहुत सारे बच्चों को ये इस तरह से शो हो रहा होगा, बस ये 4-5 ऑप्शन, तो आपने इन लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जाकर शो ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है ताकि आपको करेक्टर वाला पूरा पैनल नजर आए। अब जब भी आप टाइप करते हैं किसी भी चीज को, लिखना शुरू करते हैं, चाहे आप वर्ड में लिख रहे होते हैं, चाहे आप प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं, तो उसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, तो जब आप टेक्स्ट लिखते हैं वो डिफरेंट डिजाइन के अंदर नजर आता है आपको ठीक है। एक तो ये कि जब हम लिख रहे हैं, लेट्स सी कि ये और ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पर आपने ये जो लिख कहा जाता है इसको हम कहते हैं फॉन्ट ठीक है। और हर फॉन्ट या हर स्टाइल का नाम होता है। हम डिफरेंट, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम जो डिफरेंट स्टाइल्स में लिख रहे होते हैं हम उन्हें कहते हैं फॉन्ट, कि ये वाला फॉन्ट है, हमने जो स्टाइल में लिखा ये स्पेसिफिकली ये फॉन्ट है और इस फॉन्ट का ये नाम है, या कह लो कि इस स्टाइल का ये नाम है। जैसे हम सब के नाम होते हैं वैसे ही फॉन्ट्स के भी नाम होते हैं, और जिस तरह से आप सब ग्राफिक डिजाइनर्स हैं इसी तरह से फॉन्ट डिजाइनर करने वाले भी लोग होते हैं, फॉन्ट डिजाइनर्स। सो अब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कुछ स्पेसिफिकली फॉन्ट्स के नाम तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, जैसे टाइम न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिबरी है, माइरेट ब्रू है, बड़ा ही बाय डिफॉल्ट वाला फॉन्ट आ रहा होता है। सो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आज हम आपको डिफरेंट स्टाइल्स भी डाउनलोड करना भी सिखाएंगे और उनको यूटिलाइज करना भी सिखाएंगे, और कितने कितने डिफरेंट स्टाइल जो मेन मेन है वो कौन से होते हैं वो भी सिखाऊंगी ठीक है। सो मेन जो दो कैटेगरीज हैं यहाँ पर जो दो मेन कैटेगरीज आ रही है मेरे पास वो है जी सेंस सेरिफ और सेरिफ। ओके, अब इसमें क्या है,
इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि आप देखोगे कि जो मेरे पास सेरिफ फॉन्ट है इसके यहाँ पर कुछ लाइंस बनी हुई है, जैसे आर के नीचे है ये फुट टाइप चीजें बनी हुई होती है, आई के नीचे है, एफ के नीचे है, या एस के नीचे, यू शार्प एजेस आ रहे हैं, यहाँ पर सेरिफ में वो चीज नहीं आ रही है, ये सिंपल वाले फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। अब सैन सेरिफ में कौन से फॉन्ट्स आते हैं जो आप सबको पता होगा, जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक किया तो करेक्टर में यहाँ पर ऊपर नाम इसका शो हो रहा है और वो है माइरेड प्रो, ठीक है, इस स्टाइल का नाम है माइरेड प्रो। अब सैन सेरिफ में से कौन कौन से नाम है जो आपको आते हैं फॉन्ट्स के, बताओ जरा मुझे। जैसे मैंने एक एरियल कह दिया, एरियल भी सैन सेरिफ में आता है, कैलिबरी भी सैन सेरिफ के अंदर आता है, और कोई नाम याद है फॉन्ट में, ओपन सैंस बिल्कुल, इम्पैक्ट बिल्कुल हमने ठीक कहा, एरियल बिल्कुल ठीक, टाइम न्यू रोमन अरूज सेरिफ में जाता है, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला टाइम न्यू रोमन में लिखा था, बिल्कुल ठीक फातमा। सो बहुत सारे बच्चों को इस तरह से पता है। अब अगर हम सेरिफ फॉन्ट्स में जाएं तो वो कौन कौन से हैं, कॉमिक सेंस आता है अली सेंस सेरिफ के अंदर, ठीक है। तो सेरिफ के अंदर अब कौन कौन से फॉन्ट्स हैं, बहुत एक कॉमन जो आप लोग बार बार कहीं पे यूटिलाइज करते होंगे, दैट इज टाइम न्यू रोमन, ठीक है, टाइम न्यू रोमन है, बुक एंटीक है, इसी तरह के और भी काफी सारे से फॉन्ट्स हैं। अब मेरी वॉइस ठीक हो गई है। आज हम आपको बताते हैं कि डाउनलोड किस तरह से कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री में फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर मैंने एक वेबसाइट टाइप की है, dafont.com, DAFONT.com। मैं यहाँ पर टाइप भी कर देती हूँ आप लोगों को, आप भी इन्हें ओपन करें और फिर हम इसी को डिस्कस करते हैं। फुरकान वो भी अभी डिस्कस करते हैं जरा। हमारा नहीं, हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू नहीं लिख सकते। अच्छा, अब जब आप लोगों ने वेबसाइट ओपन कर ली है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको मैं आपको टाइम बाय टाइम बताती रहूंगी, बट ये वाली बहुत अच्छी है फिलहाल आप लोगों को एज अ बिगनर समझाने के लिए, क्योंकि इधर इसके काफी सारी चीजें आ रही हैं जिनसे मैं आपको समझा सकती हूँ कि कैसे वाले फॉन्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिक में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, दैट इज सैन सेरिफ और सेरिफ। अगर मैं सैन सेरिफ फॉन्ट लेना है तो यहाँ पर क्या है कि इधर जितने भी हैं आप यहाँ पर सारे के सारे सैन सेरिफ पे क्लिक करोगे तो जितने भी फॉन्ट सैन सेरिफ में हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप सिंगल क्लिक करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सेरिफ के अंदर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जितने भी फॉन्ट्स सेरिफ के अंदर आ जाते हैं वो सारे आप लोगों को यहाँ पर नजर आने लगेंगे। इसके अलावा हमारे पास सी यहाँ पर ये सारे अब सेरिफ वाले फॉन्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास फैंसी के अंदर देखें कितनी सारी चीजें दी हुई हैं कि अगर कभी भी आपकी टारगेट ऑडियंस छोटे बच्चे हैं, आप कुछ भी उनके लिए डिजाइन कर रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो और आपने टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमिक के फॉन्ट्स दिए हुए हैं, कार्टून के फॉन्ट्स दिए हुए हैं। इसी तरह से देखें कर्ली फॉन्ट्स हैं, स्टेंसल या आर्मी के फॉन्ट्स हैं, फायर आइस टाइपराइटर। सो यहाँ पर आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो सकता है कि आपकी कौन सी टारगेट ऑडियंस है और आपको उसके अकॉर्डिंगली कैसा फॉन्ट यूटिलाइज करना चाहिए है। अब इसी तरह से अगर मैंने अभी सैंस सेरिफ और इसकी बात की, कैलीग्राफिक पे आ जाएं अगर हम, तो कैलीग्राफी में कैसे आते हैं थोड़े से डेकोरेटिव टाइप फॉन्ट्स जिनमें आपको पता चलता है कि कैलीग्राफी टाइप है। यहाँ पर हैंड रिटन फॉन्ट्स भी दिए हुए हैं जो काफी ज्यादा यूटिलाइज ये भी हो रहे होते हैं। सो आपको यहाँ से हर तरह के फॉन्ट्स इजिली
मिल जाएंगे। जोन सा भी आपने फॉन्ट ढूंढना है उसकी स्पेसिफिकली उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करें इस तरह से करके, और फिर उनमें से फॉन्ट चूज करें और उसको डाउनलोड कर लें। एक तरीका अच्छा वाला ये होता है, लेट सपोज कि मैंने कोई सेंस सेरिफ फॉन्ट के अंदर वर्किंग करनी है, और मैं बजाय इसके कि ये वाला लेट सी मुझे लेमन मिल्क ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर लूँ और इलस्ट्रेटर में जाऊँ और लिखना शुरू कर दूँ, और बाद में मुझे पता चले कि वो मेरे टेक्स्ट के ऊपर सूट नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा वो वाला टेक्स्ट लिखा हुआ, तो सारी मेहनत और टाइम वेस्ट हो जाता है। सो उससे बेहतर अच्छा होता है कि आप यहाँ पर प्रीव्यू में जाकर टाइप योर टेक्स्ट हियर जैसे ऑप्शन आ रही है, आप पहले ही यहाँ पर कुछ चीजें लिख लें, ठीक है? सो यहाँ पर लिखें और तो आपको सारा उसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ, तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा, अब मुझे सारे फॉन्ट्स जो सेंस सेरिफ वाले हैं वो इसी के अंदर ही नजर आ रहे हैं जो मेरा टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ से कॉमिक चूज कर लेती हूँ और उसमें फिर मुझे सारे के सारा अपना अब नजर आएगा, ठीक है? सो जोन सा भी टेक्स्ट या फॉन्ट मेरे टेक्स्ट के ऊपर अच्छा लग रहा है मैं उसी को डाउनलोड करूंगी, रेदर देन मैं ट्राई कर करके चेक करती रहूँ। सो मैं अभी जा रही हूँ सेरिफ के ऊपर और इनमें से कोई एक फॉन्ट इंस्टॉल करके देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं। सो लेट्स सी कि मैं अभी कोई सा भी एक सिंपल सा फॉन्ट ले रही हूँ, लेट्स सी। आप लोग भी कोई भी एक फॉन्ट डाउनलोड करें और मुझे बताएं, सिंपली आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने फॉन्ट एक डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद आगे की चीजें करते हैं। फौरन से मुझे फॉन्ट डाउनलोड करके बताएं। जी सानिया, बिल्कुल बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। कासिम, बाय आस्किंग फॉर मनी, ये वाली फ्री की वेबसाइट है। जी जबरदस्त, इसको भी अनज़िप करते हैं ना। अच्छा जी, अगर सबने डाउनलोड कर लिया है तो आपके पास इसी तरह से एक जिप फाइल आ रही है, आपने शो इन फोल्डर्स पर क्लिक करना है। राइट क्लिक करें, वो शो इन फोल्डर्स पर क्लिक करें एंड शो इन फोल्डर्स के बाद आपके पास वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, जहां पर भी डाउनलोड हुआ है वहां पे जो भी फाइल है उसको अनजिप कर लें और वो आपके पास एक फोल्डर की तरह आ जाएगी। एक्सट्रैक्ट कर लेने और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मेरे पास ये फॉन्ट आ गया है। अब इस फॉन्ट को आपने राइट क्लिक करना है, ए वाला लिखा हुआ होगा इसको क्लिक करना है और इंस्टॉल, या फिर अगर आपके पास इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे इंस्टॉल कर लें एंड बस काम खत्म। इतना राइट क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट कर लें, एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। इंस्टॉल करके मुझे बताएं फौरन से सब बच्चे। एक्सट्रैक्ट के बाद जो आपके पास फोल्डर आ रहा है, एक फाइल आ रही होगी फॉन्ट वाली, उस पर राइट क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। मैं अभी बताती हूँ, मैंने अभी बच्चों जितना कहा है उतना उतना करते जाए ना। पीडीएफ फाइल क्यों आ रही है फरजीन?
आप लोगों ने एक फाइल डाउनलोड कर ली, यहाँ से क्लिक करके इस तरह से आपके पास भी शो हो रही होगी। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, शो इन फोल्डर्स पर क्लिक कर दें। शो इन फोल्डर से क्या होगा कि वो आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर आपकी फाइल पड़ी हुई है, जिप फाइल। देन उस जिप फाइल पर ही राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, उसे आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वो इस तरह से एक फोल्डर के अंदर आ रही होगी, उस फोल्डर पर क्लिक करें। उस फोल्डर के अंदर में भी आपके पास ज्यादा फाइल्स हो या एक ही फाइल हो कोई मसला नहीं है। आपके पास ये वाली जो एक ए लिखा हुआ होता है फाइल के ऊपर, उस आपने क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो गया। सो इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे अपने इलस्ट्रेटर में और हम कोई सा भी टेक्स्ट लिख के देखेंगे, या जैसे मैंने ये वाला टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, आपको फॉन्ट का नाम पता होना चाहिए। जैसे मेरे फॉन्ट का नाम था ड्रीम ग्लोरी, तो मैं यहाँ से जाकर इधर करेक्टर में जहाँ माइरेट प्रो लिखा हुआ है, इधर क्लिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रीम लिखूंगी। शुरू के ही कुछ कैरेक्टर्स अगर आप लिख लेते हैं तो आपके पास वो वाला फॉन्ट आ जाता है, उस पर क्लिक कर लें तो आपका ये वाला फॉन्ट था जो हमने डाउनलोड किया था। इसी तरह से आप सब भी चेक करें। और डाउनलोड करने से ये होता है कि जितने भी आपके लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं उन सब के अंदर वो सॉफ्टवेयर फॉन्ट चला जाता है, आपको बार बार इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब इसी तरह से आप अपने पास ज्यादा सारे फॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने और क्या चीजें आपको समझानी है, ये तो इंस्टॉलेशन हो गई है। अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं, यहाँ पर जरा लिखना बंद करें और समझ लें कुछ और चीजों को, क्योंकि वो भी बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स सी कि मैं इसे सिलेक्ट करके वापस जा रही हूँ। लेट्स सी, एरियल आप सबको पता है, सो हम एरियल के ऊपर जाते हैं। अब कुछ चीजें समझ लें। करेक्टर वाला ओपन होगा विंडोज में से जाके, बेटा विंडो में जाकर टाइप एंड देन करेक्टर। मैं अभी चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि आप सब जरा समझ लें चीजों को जो मैं आगे समझाने जा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखा है एरियल के अंदर। एरियल आप क्यों मैंने लिया, क्योंकि ये आप सबको पता है कि क्या चीज होती है और कैसे वर्किंग होती है। मैं अब ये वाला टैब आप लोगों को बेसिकली समझाने लगी हूँ। सो इसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो सर्च का आइकन भी आ रहा है, इधर फॉन्ट का नाम लिखा हुआ आता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हर स्टाइल का डिफरेंट नाम होता है, तो यहाँ पर नाम है। जैसे अभी हमने सर्चिंग किया था जो डाउनलोड करके, वो भी यहाँ से ही। अगर मैं इस एरो पर क्लिक करूंगी तो इधर जितने भी मेरे लैपटॉप में अभी फॉन्ट्स पड़े हुए हैं वो सारे यहाँ पर नजर आने लगेंगे। सो इधर से तो ढूंढना डिफिकल्ट होता है। सो अगर आपको नाम पता है तो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके खुद से भी कुछ टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, अभी हम एरियल पर ही रहते हैं। अब एरियल के नीचे जैसे यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी आ रही है, नैरो नैरो इटैलिक। सो ये क्या चीज है, ये इस फॉन्ट की फैमिली है, एरियल की मतलब। अब क्या है कि इस फैमिली में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, ये फॉन्ट डिजाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि जो आप फॉन्ट लो या डाउनलोड करो वहां पर सिर्फ रेगुलर ही आ रहा हो और कोई उसकी फैमिली में नहीं है। अगर हो सकता है कि कभी आप डाउनलोड करें तो वहां पर जो मोस्टली चीजें आ रही होती है ना, रेगुलर इटैलिक एंड बोल्ड, ये तीन तो लाजमी होते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है जैसे एरियल की बहुत ही बड़ी सी फैमिली है, सो यहाँ पर काफी सारे फॉन्ट्स आ सकते हैं। सो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिकॉज मेरे पास काफी सारी ये क्यूरीज आती हैं कि भाई मैंने एक फॉन्ट डाउनलोड किया और उसमें तो सिर्फ यहाँ पर रेगुलर ही लिखा हुआ आ रहा है, या मैंने फॉन्ट डाउनलोड किया उसमें तो सिर्फ रेगुलर एंड बोल्ड ही लिखा हुआ आ रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं है, जो आप लोगों ने फॉन्ट लिया वो उस फॉन्ट डिजाइनर ने वैसे ही डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। सो लेट सपोज मैंने जैसे अभी यहाँ पर जो अभी फॉन्ट लिया था डीम ग्लोरी वाला, इसके अंदर एक ही फॉन्ट था। सो मतलब इसकी फैमिली में सिर्फ रेगुलर ही है और नहीं है, इसीलिए मुझे एरियल लेना पड़ा कि मैं आप सबको समझा सकूं। जैसे अगर मैं अब टाइम न्यू रोमन लेती हूँ,
सो टाइम न्यू रोमन लें, और इसकी फैमिली अगर हम चेक करें तो फैमिली में है रेगुलर इटैलिक, बोल्ड एंड बोल्ड इटैलिक, ठीक है। सो इस तरह से हर फॉन्ट की फैमिली डिफरेंट होती है। सो आई होप कि मुझे ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि रेगुलर में क्या फर्क है और इटैलिक में क्या फर्क है एंड बोल्ड में क्या फर्क है, आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता ही होंगी, ठीक है। सो मैं इसे वापस कर रही हूँ रेगुलर के ऊपर, दोबारा से एक दफा ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऊपर लिखा हुआ आता है नेम और यहाँ पर लिखा हुआ आता है इसकी फैमिली, ठीक है। यहाँ पर आगे आके ऑप्शन आ रही है यहाँ पे इसका साइज की, मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज किस तरीके के साथ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब अगर आप थोड़ी देर होल्ड भी रखते हो तो इधर लिखा हुआ आ जाता है सेट द फॉन्ट साइज। अब यहाँ पर हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं, या तो आप इस एरो के साथ प्रेस कर लें, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शंस आती हैं 6 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट्स तक, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं 72 को, जैसे मैंने सेलेक्ट किया और लेट सपोज मैं 200 इसका साइज रखना चाह रही हूँ, 200 लिख दिया एंड एंटर प्रेस कर दिया, सो उसका साइज 200 पॉइंट्स हो जाएगा। तीसरी जो चीज है कि यहाँ पर अपर एंड लोअर एरो दिया हुआ है, सो अपर एरो से आप क्लिक करेंगे सो आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, जैसे आप सबको भी नजर आ रहा होगा कि ये इंक्रीज होता चला जा रहा है, और अगर आप लोअर एरो प्रेस करते हैं तो आपका साइज डिक्रीज होता चला चला जाएगा। एक चीज और भी है कि आप साइज को मैनुअली भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे आप इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, शिफ्ट प्रेस करें किसी भी कोने पे होल्ड रखें और साइज का छोटा या बड़ा कर लें, बट एज अ बिगनर मैं अभी ये वाली चीज सजेस्ट नहीं करती हूँ, ये इजी रहती है कंपैरेटिवली यहाँ से साइज बड़ा छोटा करने की निस्बत, लेकिन एज अ बिगनर आप लोग क्या करते हैं शिफ्ट ठीक प्रेस नहीं करते तो वो फिर फॉन्ट स्ट्रेच हो जाता है, यू से हो जाता है या फिर यू हो जाता है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है, ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। सो इस तरह से अभी किसी ने भी फॉन्ट का साइज चेंज नहीं करना है, सबने यहां से ही करना है, ठीक है। सो इसलिए हम इसे इसी वाले पर ही रखकर वर्किंग कर रहे हैं, लेट्स सी 72 है, इधर से ही चीजें समझाऊंगी। इसके बाद आ रही है हमारे पास लेडिंग। अब लेडिंग क्या चीज होती है कि दो लाइनें जो लिखी हुई आती हैं इनमें आपने कितना गैप इंक्रीज या डिक्रीज करना है, जैसे अगर मैंने सेंस सेरिफ लिखा है नीचे वाली लाइन में आके मैं कुछ और लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि इधर और इस वाली लाइन में ये वाला जो गैप आपको नजर आ रहा है दैट इज लेटिंग, कि गैप कितना रहना चाहिए। अब जैसे इसके भी वही वाले तीन वेज हैं, आप चाहे यहां से कर लें चाहे यहां से अपर एंड लोअर एरो से कर लें, आपकी मर्जी है। अब मैं अगर अपर एरो प्रेस कर रही हूं तो मेरा साइज लाइन में इंक्रीज होता चला जा रहा है, अगर मैं कम कर रही हूं तो साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेट द कर्निंग बिटवीन करेक्टर्स, सो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है भाई कि सम टाइम ऐसे फॉन्ट्स आ जाते हैं जहां पर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर आप देख रहे हो कि आई का डॉट जो है वो एफ से बिल्कुल साथ मिल गया है, सो सम टाइम आपको क्लाइंट कह सकता है कि भाई ये मुझे ऑड लग रहा है, थोड़ा इसके अंदर गैप होना चाहिए, तो फिर उस वक्त ये वाला ऑप्शन काम आता है कि आपने इन दोनों में एफ और आई में जैसे ये गैप आ रहा है और ये आता भी नहीं करेक्टर्स में है, जैसे एच के अंदर आ गया आई के अंदर आ गया, कुछ स्पेसिफिकली करेक्टर्स ये हैं जिनमें ये गैप आपको कम या ज्यादा लग सकता है, और वो लगता भी इसीलिए है कि ये डॉट्स वगैरह आ जाते हैं। सो मैंने इन दोनों में गैप अगर ज्यादा करना है इनमें ये रखा, और इसी के भी वही वाले वेज हैं कि अगर मैं इसको गैप ज्यादा करना चाह रही हूँ तो मैं प्लस वाली साइड पर ले जाऊं, ठीक है सी, और यहाँ पर माइनस का ऑप्शन भी मेरे पास आ रहा है, अगर मैंने -100 कर दिया तो ये उसके बिल्कुल ही साथ लग गया। अब क्या है कि इसी तरह से अगर आप अपर एरो प्रेस करेंगे तो भी वो गैप ज्यादा होता चला जाएगा, अगर आप लोअर एरो प्रेस करते हैं तो गैप कम हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसको कुछ नहीं करना सिर्फ फिलहाल प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप इसे 0 पे ही रहने देंगे। अच्छा मैं अभी इन सारी चीजों के लिए आप लोगों को टाइम दूंगी, फिलहाल मैं अभी सिर्फ समझा रही हूँ बिकॉज इजी इजी सी चीजें हैं।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है हमारे पास? ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ये है जी, सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड करेक्टर्स। अब ये क्या, हमने इस पूरे करेक्टर्स को, पूरे वर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है, और अगर हम ये चाह रहे हैं कि इनके बीच में ये जो करेक्टर्स हैं इनमें गैप कम या ज्यादा हो जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसी तरह से वही तीन ऑप्शंस है हमारे पास। यहाँ पर भी प्लस एंड माइनस में जा रहा है। अगर आप प्लस वाली साइड पर आते हैं तो साइज जो है इनमें जो गैप है वो ज्यादा होता चला जा रहा है। अगर आप 200 से भी ज्यादा रखना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिमिट 200 की है, तो आप प्लस प्रेस करें, यहाँ से अपर एरो प्रेस करें, तो आपका गैप ज्यादा होता चला जाएगा। और आप इसी एरो पे जाके अगर साथ साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो -100 कर लिया, अगर इससे भी ज्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोअर एरो प्रेस कर दें। ठीक है, और ये बहुत सारे डिजाइन में बहुत अच्छा लगता है जब आपने इस तरह से गैप ज्यादा दिया हुआ होता है। कहीं पे भी अगर वेबसाइट वगैरह ऐड करनी है या कोई भी और कॉन्टेक्ट डिटेल ऐड करनी है तो ये अच्छा लगता है। मैं वो भी बताऊंगी कि कब कब ऐड करते हैं। फिलहाल मैं इसे वापस 0 पे कर रही हूँ। इतनी चारों चीजें फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं, फिर आगे नीचे वाली चीजें समझाती हूँ। चैट मैं ऑन कर रही हूँ। वेरी गुड, दो बच्चों ने तो कर भी लिया। इजी सी चीजें हैं ना, सिर्फ याद रहनी चाहिए। जहूर बेटा, वो भी आपके फॉन्ट में मसला होगा, कोई और फॉन्ट करके देख लो। जी अनम, अच्छा जी, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, जुबैर कॉमन चीजें हैं जो वर्ड में भी, सारे वर्ड के अंदर यही चीजें हैं। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि अगली लाइन में टेक्स्ट कैसे जाएगा, आपने यहाँ कॉर्नर पे जब पहुंच जाते हैं एंटर प्रेस करें और नीचे लिखना शुरू करते हैं, फिर आपने अगली लाइन में जाना है और आप अगले पे लिखना शुरू करते हैं। ऑप्शन बॉक्स आया था, विंडोज में से जाकर टाइप एंड देन करेक्टर पे क्लिक किया था। वर्दा बेटा, वो भी देर की बात है। नोरीना बेटा, करके देखो। उमर, मेरे मुताबिक तो उर्दू में नहीं लिख सकते, बट यहाँ पर अभी किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि उर्दू में लिख सकते हैं, तो वही सबको बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं। कर्निंग एंड ट्रैकिंग में क्या फर्क है? सो आपने क्या करके देखा है? कर्निंग क्या करती है कि वो दो करेक्टर्स के दरमियान में गैप या को कम या ज्यादा करती है। जैसे मैंने एफ और आई के दरमियान में कम या ज्यादा गैप किया था, और ये वाला जो है ट्रैकिंग, वो आपके पूरे वर्ड के दरमियान में ज्यादा या कम कर देगी। ठीक है, मोहम्मद सदीक बेटा, अगर आपने इकट्ठे लिखा है तो वो इकट्ठे ही मूव होगा ना? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि उर्दू कीबोर्ड से लिखा जाता है, तो आप लोग करके एक बार देख लेना, अगर तो लिखा जाता है तो वेरी गुड। अच्छा जी, आगे अब चल रही हूं और उसके बाद देखते हैं। मैं दोबारा से चैट ऑफ कर रही हूं। अभी ना जितनी जितनी चीजें समझाती हूँ ना, उतनी उतनी समझ लिया करो, फिर सारे कंफ्यूज होने लगते हो कि इकट्ठा लिखा है तो इकट्ठा मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें फिर गड़बड़ होने लग जाती है और आप लोगों को फिर समझ नहीं आती। जब अभी मैंने कहा था ना कि पहली सिर्फ चार चीजें समझनी है, तो वो ही समझ लो पहले। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ रही है यहाँ से? ये अब दोनों ऑप्शन है हमारी स्ट्रेचिंग वाली, वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल। सो जैसे मैंने कहा कि भाई आप इस तरह करके लिख दो और आपको लगे कि भाई ये सही लिखा हुआ है, तो ये सही नहीं लिखा हुआ। अब नॉर्मली कब ऐसा लिखा जाता है कि मैं एक कोई डिजाइन बना रही हूँ और मैंने, मेरे पास जगह
पूरी आ गई है और मेरे पास टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो वो जगह को फिल करने के लिए इस तरह कर दिया, और आपको लगता है कि ये तो किसी को पता नहीं चल रहा कि ये स्ट्रेच हुआ हुआ है, तो ये सबको पता चलता है जो जो भी डिजाइनिंग पढ़े हुए होते हैं, और इनफैक्ट क्लाइंट को भी पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ हुई भी है। सो ऐसे नहीं करना कभी भी, या फिर ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है? ये स्ट्रेचिंग बहुत बुरी चीज है और आपके पूरे डिजाइन का सत्यानाश हो जाता है। अब इसमें आपने ख्याल क्या रखना है कि कभी भी आप ये वाली स्ट्रेचिंग हो जाती है गलती से, सो सी ये वर्टिकल स्केल या हॉरिजॉन्टल स्केल में भी आपको कुछ गड़बड़ होती है। जैसे अभी मैंने हॉरिजॉन्टल साइड पे इसको स्ट्रेच कर दिया था ना, तो ये 64% पे चला गया है। सो इन दोनों को हमेशा 100% पर ही रहना चाहिए है, ये 100% पर रहेंगे तो मतलब कि ये अब स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है। सो हमेशा आपने ख्याल कर लेना है कि ये स्ट्रेचिंग इसकी हुई भी है या नहीं हुई भी है। आगे इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेट द बेस लाइन शिफ्ट। सो सेट द बेस लाइन क्या चीज है, उसके लिए मैं एक रूलर ऑन कर रही हूँ। फिलहाल आप लोगों को रूलर की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ आप लोगों को अभी समझाने के लिए कर रही हूँ। लेट सपोज कि ये वाली मेरी बेस लाइन मैंने अपने अकॉर्डिंगली एक सेट की हुई है, और ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आ रहा है कि जी सेट द बेस लाइन। सो यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर मैं जाना शुरू हो जाऊंगी, जैसे मैंने 12 पॉइंट किया तो ये मेरी बेस लाइन से ऊपर को हट गया है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर माइनस वाली साइड पे आती हूँ तो ये मेरा बेस लाइन से नीचे हट गया है। सो इस ऑप्शन से ज्यादा बेहतर मुझे क्या चीज लगती है कि हमने अगर अपने टेक्स को ऊपर या नीचे ही करना है, तो रादर देन हम यहाँ से बेस लाइन से सेट करके रखें, हम सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके भी उसको कहीं पे भी रख सकते हैं जहां पे भी हमने रखना है। सो इसको आप ऐसे यूटिलाइज करें रादर देन यहाँ पर आप स्टक हो जाए। अगली जो ऑप्शन आ रही है करेक्टर रोटेशन की, अगर मैं यहाँ से भी सिंपली क्लिक करूँ तो इसी ये मेरे करेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं। वैसे तो इसकी ऑप्शन की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही फजूल सी लगती है, बट चलो पता होना चाहिए। 0 पे दोबारा कर रही हूँ, और ये वाली सारी ऑप्शन तो आई होप कि आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है? तो नीचे वाली ऑप्शन एक बार जल्दी से चेक करें और फिर हम इसके टूल्स को ट्राई करते हैं क्विकली। अच्छा जी, कर लिया सबने ये वाला? दूसरा बेटा करने क्या है कि आप एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर के दरमियान में गैप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब आगे से इनके कुछ टूल्स पर वर्किंग करना शुरू करते हैं जो हमारे सिंपली आपको लिखने का तो पता चल गया है कि कैसे लिखना है। आप यहाँ से टाइप टूल के ऊपर जाओगे और जितने भी आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, और जो हम लोग अभी 2017-18 यूज कर रहे हैं उनके पास यहाँ पर डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है। जो 2015 वाले बच्चे हैं उनके पास डमी टेक्स्ट नहीं आएगा, उनके पास इस तरह से ये ब्लिंक वाला आइकन आता है। सो अल्टीमेटली तो हमें ब्लिंक वाले आइकन का ही काम है, बिकॉज हमने डमी टेक्स्ट लेकर क्या करना है। सो हमने यहाँ पर ब्लिंक आइकन आ रहा है, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं आप खुद से लिख सकते हैं। अजान हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब क्या करना है कि जब भी आपने एक या दो वर्ड्स लिखने हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करना चाह रही हूँ तो हम इस तरह से टाइप कर लेंगे, या फिर अगर कहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है तो आप इसी तरह से कंट्रोल सी, जहाँ से भी आप कॉपी कर रहे हो वहाँ पे करोगे, और यहाँ पर आके आप कंट्रोल वी प्रेस कर दोगे। ठीक है, अब क्या क्या है कि हम सारी चीजें आपकी ये वाली यहाँ पर हैं, इन केस अगर आप यहाँ से कुछ भी पैराग्राफ है और वो लिख कर लाना चाह रहे हैं तो आपने इसी तरह से टाइप टूल लेना है, और रादर देन आप सिंगल क्लिक करें, अब आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सो आपने ये बॉक्स लिया और आपने टेक्स्ट बीच में जो भी डमी टेक्स्ट आ गया इसको इग्नोर करें, जहां से भी आपने कॉपी करना है यहाँ पर आकर आप पेस्ट कर लेंगे। पैराग्राफ की सारी ऑप्शंस मैं कल बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए आपको एक ये बॉक्स बनाना आना चाहिए। एक बार लिख कर और एक बार बॉक्स बनाकर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। अगर मैं ये एक अगर मैं ये एक बॉक्स बनाऊं और इसमें जो डमी टेक्स्ट आ रहा है ना, इसमें सी ये, ठीक है, ये एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर से आपको समझाना चाहूँ ना लेडिंग और कर्निंग वाली चीजें, तो शायद मैं ज्यादा बेहतर समझा सकती हूँ। सी ये मेरा टेक्स्ट है, मैंने इसमें फॉन्ट ये टाइम न्यू रोमन रखा हुआ है, रेगुलर है, साइज इसका 12 है, और फिलहाल इसकी लेडिंग जो है वो 18 है। ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा करती जाती हूँ तो आपको फील होगा कि ये लाइंस में स्पेसिंग ज्यादा आ गई है, दैट इज लेडिंग। ठीक है, जो हमें मोस्टली तो वैसे पैराग्राफ में ही जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अनिका, मैंने A4 पे कर रही हूँ मैं वर्किंग। इकरा, कैसे टाइप किया बेटा? आपके सामने ही है, टाइप टूल लें, सिंगल क्लिक करें और आप लिखना शुरू कर दें। मे बी आपके फॉन्ट का साइज बहुत छोटा होगा इसलिए नहीं लिखा जा रहा होगा, आपने क्लिक करना है और कीबोर्ड से टाइप करना शुरू कर देना है। ठीक है, इकरा आप लिख भी रहे हो या नहीं? मे बी यहाँ से चेक करो कि आपने फॉन्ट का साइज क्या रखा हुआ है, एंड कीबोर्ड से टाइप भी करना है। ओके, ये वाली चीज हो गई। पैराग्राफ वाली चीजें हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें टाइप की चीजें हैं, करेक्टर की चीजें थी। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है यहाँ पर है एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल का अगर आप आइकन चेक करो तो एरिया टाइप टूल का आइकन कैसे आ रहा है कि एक शेप बनी हुई है और उसके अंदर टी लिखा हुआ है, मतलब किसी भी शेप के अंदर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल इन्हीं में से कोई भी शेप ले लेती हूँ। लेट्स सी, मैंने एक पॉलीगोनल के अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने एक पॉलीगोनल ड्रॉ किया और मैं इसके अंदर अब क्या करूंगी, एरिया टाइप टूल लिया और यहाँ पर अंदर वाली साइड पर आके, बिल्कुल इधर आके नहीं करना अदरवाइज आपको वो ये वाला एरर देगा। ठीक है, ये जो ब्लू वाली लाइन आती है जब ये पाथ लिखा हुआ आ जाता है, आपने यहां पर क्लिक करना है और आपके शेप के अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। एक बार लिख कर देखें और मुझे बताएं जल्दी से, फिर इसको थोड़ा सा और शेप्स के ऊपर ट्राई करते हैं। आमना, आपने क्या करना है, एक कोई सी भी शेप लेनी है, जैसे अभी मैंने पॉलीगोनल लिया था, और यहाँ से आपने एरिया टाइप टूल पे जाना है और उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो शेप अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। इकरा, इसीलिए लिखा जा रहा है कि आप साइज
फॉन्ट साइज बहुत छोटा आ रहा है। निदा तो फॉन्ट साइज बेटा आप इंक्रीज कर लो, इसको सिलेक्ट करो और आप यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। मैं अब क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने ये वाली एक शेप यहाँ से ली थी, अब अगर हम पेन टूल के साथ कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि कैसा टेक्स्ट लिखा जाता है। लेट्स सी कि मैं एक लीफ बनाना चाह रही हूँ। मैंने क्या किया है, एक ऐसे करके लीफ बना लिया, जहां से स्टार्ट किया उधर ही एंड किया, क्योंकि क्लोज शेप होनी चाहिए ना टेक्स्ट लिखने के लिए भी। सो मैंने क्या किया कि यहां से एक बना लिया और अब हम जा रहे हैं एरिया टाइप टूल के ऊपर। और यहाँ पे कीप इन माइंड, जो बच्चे अभी भी कह रहे हैं ना कि बाहर लिखा जाता है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही कहीं बाहर जाकर क्लिक कर रहे हैं, या जिनका अंदर एरर आ रहा है ये वाला, वो सेंटर में जाके कहीं क्लिक कर रहे हैं। सो आपने ये वाली जो हमारी ब्लू लाइन आ रही है, जब पाथ लिखा हुआ आता है तो आपने रहना अंदर ही है, ओके, शेप के अंदर वाली साइड पे ही रहना है। और आपने सिंपल लेफ्ट क्लिक कर दिया, हमारा अभी यहाँ पर डमी टेक्स्ट आ रहा है, जो बच्चे 2015 यूज कर रहे हैं उनका वो ब्लिंक आइकन आ रहा होगा। तो कहीं से भी कोई भी टेक्स्ट ले लें, कॉपी कर लें, या सिंपली कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर लो, वो आपका आ जाएगा उसी शेप के अंदर जो आपने शेप ड्रॉ की है। एक बार खुद से भी कोई भी शेप ड्रॉ करके देखें और फिर मुझे बताएं। हाई का बेटा आपको कौन सा वाला वर्जन है इलस्ट्रेटर का? आपके भी हाई का देखो यहाँ पर नीचे ना थ्री डॉट्स आ रहे होंगे टूल्स के साथ, उनपे एक बार क्लिक करो और उन सबको ठीक कर लो एक ही दफा में सारे। इकरा बेटा मैंने तीन दफा बता दी है ये चीज के नॉन कंपाउंड आ रही है ऑप्शन, तो आपने कहाँ पर क्लिक करना है? वेरी गुड सादिया। पॉलीगॉन भी बेटा सेम ऐसे ही है, पॉलीगॉनल वहां से लो और उसके ऊपर भी क्लिक कर दो। इत्तेहाज आज मैंने करवाया है, लाइन टूल के अंदर वाले सारे, और अभी हम टाइप टूल कर रहे हैं। मैं दोबारा से उन बच्चों के लिए करके बता रही हूँ जिन्हें नहीं करना आ रहा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, शेप्स में से ही आपने कोई सी भी शेप ले ली, जैसे मैं अभी यहाँ से अगर एक पॉलीगोनल लेती हूँ, मैंने एक पॉलीगोनल को लिया और इधर से जाकर एरिया टाइप टूल सेलेक्ट किया। अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि जिन बच्चों का वो नॉन कंपाउंड वाला इशू आ रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा, बिकॉज आप कहीं सेंटर में क्लिक कर रहे हैं, वो ये आपको कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है किसी भी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे, पाथ जहाँ लिखा हुआ आ जाता है जो ये ब्लू लाइन है, इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें तो आपके या तो ब्लिंक आइकन आ जाएगा या फिर इस तरह से डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने एक और चीज क्या करनी है कि आज भी एक पेन टूल वाली ही असाइनमेंट करके लानी है, बिकॉज कल मैं टाइप टूल की असाइनमेंट दूंगी। आज आप लोगों ने क्या करना है कि A4 साइज ही लेना है आपने, और जो भी अभी तक आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसी तरह से एक और शेप ड्रॉ करके लानी है, बट वहां पर आपने आफ्टर और बिफोर लिख कर भी लाना है, क्योंकि आपको लिखना आ गया है, सिंपल सा लिखें वहां पर, जैसे जो भी आपने गूगल से इमेज लिया है उसके ऊपर आफ्टर लिख दें, और जो चीज आपने खुद की हुई है उसके सॉरी जो चीज आपने गूगल से ली है वहां पर बिफोर लिख दें, और जो चीज आपने खुद की है उसके ऊपर आफ्टर लिख दें, या फिर वेक्टर और रास्टर लिखा जा सकता है, ताकि हमें आइडिया हो कि ये वाले इमेजेस फाइवर पर लगने वाले हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल मैं टाइप टूल की चीजें पढ़ाऊंगी, अगर टाइम बच गया तो
तो फिर गिफ्ट बनाना भी कल ही सिखा दूंगी, और फ्राइडे वाली क्लास में भी हम सारा फाइवरी डिस्कस करेंगे। आज मुबर्रा हमने टूल्स लिए हैं यहाँ से, लाइन टूल के नीचे वाले आर्क टूल, स्पाइरल, रेक्टेंगुलर एंड पोलर। और उसके बाद टाइप टूल में से जाकर हमने सिर्फ टाइप टूल एंड एरिया टाइप टूल पढ़ा है, और कैरेक्टर की ये वाली सारी चीजें समझी हैं। नुदरत, करना ये है कि अभी तक जैसे आप लोगों ने जो जो चीजें बनाई हैं उन सबको भी सेट करके लाना है, और आज एक न्यू इमेज भी बनाना है, A4 लेना है हॉरिजॉन्टली, एंड जो आप गूगल से इमेज ले रहे हैं वो भी आपने बनाना है, लगाना है, और जो आपने खुद बनाया है वो भी आपने लगाना है, और ऊपर आपने लिखना भी है आफ्टर, बिफोर या फिर वेक्टर और रास्टर। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर वेक्टर ट्रेसिंग की गिग बनाना सिखाऊंगी ताकि आप लोग काम करना शुरू करें आप।